in today's lecture. So as you know, there are different layers in flexible payment. There are major four layers in flexible payment, including starting from the bottom layer, that is called as the subgrid. Uske baad, and there is sub base, then base, and the topmost layer is called as the varying course or surface course. So har layer mein jo hai different failures aa sakte hain. सबग्रेड में फेल्यूर आ सकते हैं, सबग्रेड की वजह से फेल्यूर आ सकते हैं, सब बेस और बेस कोर्स की वजह से फेल्यूर आ सकते हैं, और वेयरिंग कोर्स की वजह से फेल्यूर आ सकते हैं. देयर आर इन दिस ऑल टाइप ऑफ फेल्यूर्स दैट कैन बी ड्यू टू दिस लेयर्स आर एनी वन ऑफ देम. सो अब फेल्यूर जो सबग्रेड की वजह से आता है या सबग्रेड का फेल्यूर होता है, ठीक है ना, सब ग्रेड का फेल्यूर होगा तो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में फेल्यूर्स आएंगे. अगर सब बेस और बेस कोर्स फेल होंगे तो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में फेल्यूर्स आएंगे, या वेयरिंग कोर्स में फेल्यूर्स आएंगे वो भी आपके पूरे फ्लेक्सिबल पेमेंट में फेल्यूर्स आएंगे. तो अगर सब ग्रेड फेल हो जाता है तो उसके रीजंस कौन से हैं, सब बेस और बेस कोर्स फेल हो जाते हैं तो उसके रीजंस कौन से हैं, एंड वेयरिंग कोर्स फेल हो जाता है तो उसके रीजंस कौन से हैं. सबसे पहले आते हैं फेल्यूर्स इन सब ग्रेड. So failure in subgrade can be due to inadequate stability, inadequate compaction, excessive application of stress, consolidation deformation or plastic deformation. क्या होता है कि भाई अगर आप subgrade को properly compact नहीं करोगे, ठीक है ना, subgrade कैसे होता है, bottom most layer होता है जो soil layer होता है, एक तो natural gas natural आपका subgrade होता है, उसके ऊपर हम fill material subgrade रखते हैं अगर ज़रूरत होती है तो. फिल मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती तो हम नेचुरल ग्रेड से या नेचुरल सब ग्रेड से काम चलाते हैं. सो फिल मटेरियल अगर आप उसमें प्लेस कर रहे हो और उसको अगर आपने कॉम्पेक्शन प्रॉपरली नहीं की है तो आपका सब ग्रेड आगे चल के फेल हो जाएगा. नहीं, प्रॉपरली कॉम्पेक्शन आपने सब ग्रेड की नहीं की और उसके ऊपर आपने सब बेस प्लेस कर लिया, फिर बेस कोर्स प्लेस कर लिया और फिर वेयरिंग कोर्स प्लेस कर लिया, तो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट तैयार हो गया. अब आपने ट्रैफिक की मूवमेंट स्टार्ट कर दी उसके ऊपर, तो जब हेवी एक्सिल लोडिंग कंडीशन उसके ऊपर आएंगी तो वो हेवी एक्सिल लोडिंग कंडीशन उस सब ग्रेड को कंपैक्ट करना शुरू करेंगे. ड्यू टू लोड ऑफ हेवी एक्सिल दैट द सब ग्रेड विल स्टार्ट कंपैक्टिंग. सो ऑटो कंपैक्शन जब उस लेयर की वजह से होगा या उस आपके जो ज़्यादा लोडिंग की वजह से, हेवी एक्सिल लोडिंग की वजह से कंपैक्शन होगी, उसकी वजह से फिर सब ग्रेड आपका डिप्रेशन आ जाएगा सब ग्रेड में, और उस डिप्रेशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स आ सकते हैं. आपके रटिंग हो सकती है, पोटहोल्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन हो गया तो उसमें वाटर इनफिल्ट्रेट हो जाएगा या वाटर स्टे करेगा उसके ऊपर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स आ सकते हैं. सो दैट कैन बी इनएडिक्युएट स्टेबिलिटी और इनएडिक्युएट स्ट्रेंथ ऑफ द सबग्रेड मटीरियल, इनएडिक्युएट कॉम्पेक्शन अगर आपने कॉम्पेक्शन प्रॉपरली नहीं किए. नॉर्मली हम 95% ऑफ ड्राई डेंसिटी कॉम्पेक्शन करते हैं सबग्रेड मटेरियल का. सॉयल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें हम कॉम्पेक्शन आपने पढ़ा होगा, कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन पढ़ा होगा. उसमें क्या था कि हमारे पास एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट था, फिर ड्राई डेंसिटी कर्व था, ETC जब हम आपका मॉडिफाइड प्रॉपर्टी टेस्ट या स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट करते थे. तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट करके हमें पता चल जाता था कि कितने ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हम कौन सी डेंसिटी अचीव कर सकते हैं. सो जो फील्ड डेंसिटी हमारी होनी चाहिए दैट शुड बी 95% ऑफ दी लैब डेंसिटी. सो 95% अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, खैर अचीव तो कर लेते हैं तकरीबन 95%, लेकिन अगर आप लोगों ने 90% अचीव किया या 89% अचीव किया, 89% कॉम्पेक्शन की है, तो आगे चलकर फिर फेल्यूर्स होंगे. That is the inadequate compaction or improper compaction. And the next reason is excessive application of stress. अगर stress या load ज़्यादा आ गया subgrade के ऊपर, आपका allowable जो axial load है उसके उससे ज़्यादा अगर subgrade पे load आ गया तो उसमें deformation आ सकती है. That can be a consolidation deformation or the plastic deformation. Compaction और consolidation में क्या फ़र्क है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में. खैर, सब बेस और बेस कोर्स में फेल्यूर्स किस चीज़ की वजह से आते हैं, कौन कौन सी रीजंस हो सकते हैं. दैट फर्स्ट रीज़न इज इनएडिक्युएट स्टेबिलिटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड द
मेथडोलॉजीज आप कॉम्पेक्शन यूज, सब बेस और बेस कोर्स में मटेरियल आपने प्रॉपरली अच्छे नहीं डाले हैं और उसकी कॉम्पेक्शन प्रॉपर नहीं की है, दैट कैन बी अ रीजन इन फेल्यूर ऑफ सब बेस और बेस कोर्स. लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन, लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन बिटवीन टू कोर्सेज. बाइंडिंग एक्शन के दो टाइप्स हो सकते हैं, दो रीजन्स होते हैं, हो सकते हैं. वन, लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन बिटवीन टू कोर्सेज, एक बिटुमिनस कोर्स एंड नॉन बिटुमिनस कोर्स हो सकता है या टू बिटुमिनस कोर्स हो सकते हैं. उन दोनों के दरमियान अगर बाइंडिंग एक्शन प्रॉपरली नहीं है तो बेस कोर्स या सब बेस कोर्स में फेल्यूर आ सकता है. सेकंड इज लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन बिटवीन द मटीरियल यूज्ड इन द सब बेस और बेस कोर्स. ठीक है, अगर एसफॉल्ट मिक्स यूज कर रहे हो सकता है बिटुमिन और एग्रीगेट की प्रॉपरली बाइंडिंग नहीं हुई हो और उसकी लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन हो गया, उसकी वजह से सब बेस और बेस कोर्स में फेल्यूर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ वेयरिंग कोर्स मटेरियल. अगर वेयरिंग कोर्स मटेरियल जो टॉप कोर्स मटेरियल है या टॉप सरफेस है वेयरिंग कोर्स, वो फेल हो गया तो लाजमी है लोड डायरेक्टली आएगा बेस कोर्स पे और सब बेस कोर्स पे. तो अगर वेयरिंग कोर्स फेल हुआ तो ऑटोमेटिकली बेस कोर्स और सब बेस कोर्स भी फेल होना शुरू हो जाएंगे. ये भी रीज़न हो सकता है. इनएडिक्वेट वेयरिंग कोर्स है, आप लोगों ने सब ग्रेड अच्छा प्लेस कर दिया है, सब बेस अच्छा प्लेस किया है, बेस कोर्स अच्छा प्लेस कर दिया है और वेयरिंग कोर्स अच्छा प्लेस नहीं किया, वेयरिंग कोर्स इम्प्रॉपर प्लेस किया है या इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी रखी है वेयरिंग कोर्स की, तो क्या हो जाएगा, वेयरिंग कोर्स फेल हो जाएगा. अगर वेयरिंग कोर्स फेल हो गया तो डायरेक्ट उसका लोड, उसकी जो लोडिंग आएगी सब बेस और बेस कोर्स पे, उसकी वजह से फेल्यूर्स आ सकते हैं. सो नेक्स्ट फेल्यूर, ये सारे फेल्यूर्स थे सब बेस और बेस कोर्स में, आपकी स्टेबिलिटी की वजह से, लॉस ऑफ बेंडिंग एक्शन की वजह से, लॉस ऑफ द वेयरिंग कोर्स मटेरियल एंड इनएडिक्वेट वेयरिंग कोर्स. उसके बाद वेयरिंग कोर्स में फेल्यूर्स अगर आ सकते हैं तो वो कौन कौन से आ सकते हैं, वेयरिंग कोर्स फेल्यूर किन वजह से आ सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं. फर्स्ट, अगर मैं इन ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रॉपर मिक्स डिजाइन ओवरलोडिंग ग्रेड बिटवीन इनएडिक्वेट ड्रेनेज, तो इनमें से जो हमारे पास पाकिस्तान में होता है ना, दैट इज द ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग की वजह से सबसे ज़्यादा वेयरिंग कोर्स में फेल्यूर्स आते हैं. हमारे पास अलोएबल एक्सिल लोड कुछ लिमिटेड लोड होता है, लेकिन हमारे पास जो गाड़ियाँ होती हैं वो हमेशा ओवरलोड लोडेड होती हैं, हमेशा ओवरलोडेड होती हैं. आप लोगों ने देखा होगा, एक तो नंबर ऑफ लोड, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग पर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं और लोडिंग कंडीशन भी ज़्यादा हो जाती है, और इस ओवरलोडिंग की वजह से फिर सरफेस कोर्स या वेयरिंग कोर्स में फेल्यूर्स आ जाते हैं. इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन, इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन एक तो होती नहीं है, क्योंकि जो मिक्स डिज़ाइन करते हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन होता है और जॉब मिक्स फार्मूला जो बनता है वेयरिंग कोर्स का वो प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया होता है. कहीं पर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर किसी और रोड सेक्शन का उन्होंने जॉब मिक्स फार्मूला किसी और रोड सेक्शन पे अप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से फेल्यूर्स आ सकते हैं वेयरिंग कोर्स पे, उसको आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो तो इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन, मिक्स डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं की गई. जो एक रोड की सबग्रेड कंडीशन है उसके हिसाब से आपको मिक्स डिज़ाइन करने हैं, सबग्रेड कंडीशन या आपके सब बेस और बेस कोर्स के हिसाब से वेयरिंग कोर्स को डिज़ाइन करना है. लेकिन डायरेक्टली आपने एक और रोड जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया गया है उसके डिज़ाइन को आप उठा के दूसरे रोड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो लाजमी है फेल्यूर्स आएंगे, क्योंकि दोनों रोड्स के कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द ग्रेड ऑफ बिटुमिन. अगर ग्रेड ऑफ बिटुमिन आपने इम्प्रॉपर सेलेक्ट किया है तो वेयरिंग कोर्स में फेल्यूर्स आ सकते हैं. ग्रेड ऑफ बिटुमिन में जो सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिटुमिन है उसकी जो इम्पोर्टेंस थी ये मैंने आपको बताई थी, कि अगर एक पर्टिकुलर बिटुमिन है जिसका सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उसको उस एरिया में यूज़ करते हो जिस एरिया में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 51 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वो टेम्परेचर आएगा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो बिटुमिन सॉफ्ट हो जाएगा. सॉफ्ट होगा तो लाजमी है वो जैसे ही लोडिंग उसके ऊपर आ गई तो बिटुमिन बैठ जाएगा या वो एसफॉल्ट मिक्स या रोड बैठ जाएगा, उस बैठने की वजह से फिर वियरिंग कोर्स में फेल्यूर्स आ सकती हैं. सो दैट कैन बी ड्यू टू रीज़न, दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न के वेयरिंग कोर्स में फेल्यूर आ सकता है. जैसे मैंने आपको M9 में जो रटिंग हुई थी उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि M9 में जो रटिंग हुई थी, सरफेस रटिंग हुई थी,
उसका रीजन था ग्रेड ऑर्बिटुमेन, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ग्रेड ऑर्बिटुमेन, उन्होंने सॉफ्टवेयर ग्रेड ऑर्बिटुमेन यूज कर दिया था। ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए थे कि सॉफ्टवेयर ग्रेड ऑर्बिटुमेन रीजन सॉरी द सॉफ्टवेयर ग्रेड ऑफ यूज इन द कोल्डर रीजन एंड द हार्डर ग्रेड ऑफ ऑर्बिटुमेन कैन बी यूज इन द वार्मर रीजन। सो हमारे जो सिंध के इलाके हैं कराची हैदराबाद या खैरपुर हो गया, ये वार्मर रीजन हैं, वार्मर रीजन में फिर हमें हार्डर ग्रेड ऑफ ऑर्बिटुमेन यूज करना चाहिए। ओके नेक्स्ट कैन बी द रीजन कैन बी इनएडिक्वेट ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं दिया है तो फेल्यूर्स वेरिंग कोर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ड्रेनेज बारिश हो जाती है या कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से फ्लड आ जाता है या फ्लड का पानी या किसी भी चीज़ का पानी उसके वेरिंग कोर्स के ऊपर आ जाता है, तो अगर इनएडिक्वेट ड्रेनेज होगा तो वेरिंग कोर्स में फेल्यूर्स आ सकती हैं। क्या हो जाएगा, पानी वहाँ पर खड़ा रहेगा, पानी के खड़े होने की वजह से आपका जो पानी का एक्शन होगा वो बिटुमिन और एग्रीगेट के साथ होगा और उसमें स्ट्रिपिंग हो जाएंगी। अगर स्ट्रिपिंग हो गई तो स्ट्रिपिंग के बाद आपके आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकिंग शुरू हो जाएंगे और क्रैकिंग के बाद पोर्ट होल शुरू हो जाएंगे, पोर्ट होल के बाद फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूअर्स शुरू हो जाएंगे। तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज इज वेरी डिसएडवांटेजियस फॉर वेरिंग कोर्स, यू कैन से दैट वेरी हैजर्डियस फॉर द वेरिंग कोर्स। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूअर्स के काजेज हैं जिसमें वेरिंग कोर्स के इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन हो गया, ओवरलोडिंग होगी, ग्रेड ऑफ बिटुमिन इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ बिटुमिन एंड इनएडिक्वेट ड्रेनेज। सो वेयरिंग कोर्स में जो भी टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स होते हैं, जो भी टाइप्स ऑफ फेल्यूर हो गए, आप क्रैकिंग हो गई, आपके एलिगेट क्रैकिंग हो गया या रट जिसे हम फटी क्रैकिंग बोलते हैं और रटिंग हो गया या डिफरेंट टाइप्स ऑफ दूसरे फेल्यूर्स आ गए, वो किसी न किसी इन एक वजह की इन एक रीजंस की वजह से हो सकता है। कौन से रीजंस, ये जो मैंने आपको बताया, इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन, ओवरलोडिंग, ग्रेड ऑर्बिटुमेन और इनएडिक्वेट ड्रेनेज। ठीक है, ये थोड़ा अपने माइंड में रखें कि सब ग्रेड में किस किन रीजंस फेल्यूर आते हैं, सब बेस और बेस कोर्स में किन रीजंस की वजह से फेल्यूर आते हैं और वियरिंग कोर्स में किन रीजंस की वजह से फेल्यूर आते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेसेस आर द फेल्यूर व्हिच अकर इन द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, फटिंग क्रैकिंग हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग, ट्रांसवर्स क्रैकिंग, जॉइंट रोटेशन क्रैकिंग, स्लिपेज क्रैकिंग, ब्लॉक क्रैकिंग, रटिंग, ब्लीडिंग, कोरुगेशन एंड शेविंग, डिप्रेशन लाइन, शोल्डर ड्रॉप ऑफ, पेचिंग, पॉलिश्ड एग्रीगेट, पोर्ट होल्स, रेवलिंग, स्ट्रिपिंग, वाटर ब्लिंकिंग एंड पंपिंग, ईटीसी। इनमें से मेजर जो आपके टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स हैं वो हम कवर करेंगे, कुछ मैंने कवर नहीं किए हैं, जस्ट लाइक कौन सा मैंने कवर नहीं किया है, वाटर ब्लीडिंग भी इसमें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कुछ हैं जैसे लाइक ये डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन मैंने कवर नहीं किया है इसमें, स्लिपेज क्रैकिंग हो गया, ये कवर नहीं किया है मैंने, लेकिन मेजर जो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हैं वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रेसेस से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेकेनिज्म कैसे होता है हर टाइप ऑफ फेल्यूर का, कि अब जो किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो डिस्ट्रेसेस आते हैं या फेल्यूर आते हैं वो तीन रीजंस की वजह से आ सकते हैं। वन इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, जो भी बिटुमिनस लेयर है उसके बॉटम पे अगर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट हुआ उसकी वजह से फेल्यूर आएंगे। सेकेंड इज वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ सबग्रेड, सबग्रेड के टॉप पे अगर वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट हुआ किसी भी रीजन की वजह से तो फेल्यूर आएगा। और थर्ड इज पेमेंट डिफॉर्मेशन विद इन द बिटुमिनस लेयर, बिटुमिनस लेयर अक्सर होता है आपका सरफेस लेयर या वेयरिंग कोर्स लेयर। सो तीन टाइप ऑफ फेल्यूर्स हो सकते हैं, ठीक है, तीन रीजंस हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ सबग्रेड एंड द पेमेंट डिफॉर्मेशन विद इन द बिटुमिनस लेयर। जो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन होता है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, दैट इज दैट कॉजेस द फटी क्रैकिंग। ये याद रख लेना, फटी क्रैकिंग इज कॉज्ड बाय जनरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, फटी क्रैकिंग। रटिंग जो होता है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द जनरेशन ऑफ वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ सबग्रेड, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन की वजह से फटीग होती है, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से रटिंग होती है। एंड द पेमेंट फॉर्मेशन विद इन द बिटुमिनस लेयर कैन बी ऑफ
एनी रीज़न मेंशन प्रीवियसली, उसमें था इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन था, आपकी ओवरलोडिंग थी, इम्प्रॉपर ड्रेनेज कंडीशन थी, ETC, उसकी वजह से हो सकती है। सो जो थर्ड टाइप ऑफ रीज़न है पेमेंट इन्फॉर्मेशन विद इन द बिटवीनस लेयर, इसको हम ओमिट कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द मिक्स डिज़ाइन क्राइटेरियाज। मिक्स डिज़ाइन अगर प्रॉपर कर लें, प्रॉपर कॉम्पेक्शन करें, अगर ड्रेनेज प्रॉपर करें, ओवरलोडिंग को कंट्रोल करें, तो ये थर्ड टाइप ऑफ फेल्यूर है, हम इजीली ओमिट कर सकते हैं। तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए तीन फेल्यूर्स की वजह से, तीन मैकेनिज्म के वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड पेमेंट डिफॉर्मेशन विद इन द बिटुमिनस लेयर। इस फिगर में लेट मी शो यू द फिगर, दिस इज द जनरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एंड वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये देखें, ये जो दोनों टॉप लेयर्स हैं दैट आर द बिटुमिनस लेयर, बिटुमिनस लेयर के ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट है, बॉटम पॉइंट है, यहाँ पर जो स्ट्रेन जनरेट होता है हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन, उसकी वजह से फटिक क्रैकिंग होती है। और जो टॉप ऑफ सबग्रेड लेयर है वहाँ पर वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होता है किसी भी रीजन की वजह से, वहाँ उसको उसकी वजह से रटिंग जनरेट होती है या रटिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि फटिक क्रैकिंग इज ड्यू टू बिल्टअप ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, एंड रटिंग के लिए लिखा हुआ है इज ड्यू टू द बिल्टअप ऑफ एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ सबग्रेड लेयर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। बाकी एक और चीज़ है कि भाई फेल हम कैसे कंसिडर, फेल्यूर क्राइटेरिया क्या है फटिक क्रैकिंग का या रटिंग फेल्यूर का। तो अगर किसी भी पेमेंट सरफेस में, कोई भी पेमेंट सरफेस अगर 20% से ज़्यादा क्रैक सरफेस हो गया, तो उसको हम कहेंगे दैट पर्टिकुलर पेमेंट इज फेल्ड इन टर्म्स ऑफ फटिक क्रैकिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट इज कंसिडर्ड फेल्ड इफ 20% ऑफ द सरफेस हैज क्रैक्ड, 20% उसका सरफेस अगर क्रैक्ड हो गया तो हम कंसिडर करेंगे कि दैट इज दैट पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल पेमेंट इज फेल्ड इन टर्म्स ऑफ फटिक क्रैकिंग। उसके बाद है रटिंग फेल्यूर। रटिंग फेल्यूर में हम कहते हैं कि अगर रट डेप्थ, रटिंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन अलॉन्ग द व्हील पाथ, तो हम देखा होता है टायर या पेरा टाइम में रोड थे फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या देखे जाता है अगते हलंदा रोड से सफ़र करना तो के टायर या पेरा ठहल नजर ईंदा, तो वही जी टायर या पेरा हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं दी रटिंग। सो उहे जेके रट डेप्थ आहिनि 20 millimeter खां ज़्यादा थी वञनि, दोस रट डेप्थ आर ग्रेटर दैन 20 millimeter डेप्थ, दैन वी विल कंसिडर दैट पर्टिकुलर पेमेंट एज फेल्ड इन टर्म्स ऑफ रटिंग फेल्यूर। ठीक है, रटिंग फेल्यूर 20 millimeter डेप्थ से ज़्यादा हुआ तो रटिंग फेल्यूर होगी, और 20% ऑफ एरिया क्रैक हुआ, 20% ऑफ एरिया से ज़्यादा क्रैक एरिया हुआ, तो उसको हम फटी क्रैकिंग में फेल्ड कंडीशन या फेल्ड पेमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है भाई, ये फिगर भी आपका सेम है, फेल्यूर मैकेनिज्म ऑफ फटिंग एंड रटिंग, यहाँ पर रटिंग हो चुकी है और ये फटिंग इसको शो कर रहा है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इन सर्विस पेमेंट के कैसे हमें पता चले कि जो पर्टिकुलर पेमेंट बन गया है और उसको तकरीबन 4-5 साल बने हुए हो गए हैं, उसके ऊपर रोड के ऊपर ट्रैफिक वगैरह चल रहा है, तो वो साउंड कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है या फेल्ड कंडीशन में, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, कोई भी रोड है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा खैरपुर के शाह हुसैन बाईपास वाला रोड है, शाह हुसैन बाईपास से लेकर सखर तक का रोड है, या शाह हुसैन बाईपास से लेकर आपका रानीपुर तक का रोड है, अगर इसकी कंडीशन को हम चेक करें कि वो साउंड कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, फेल्ड कंडीशन में है, तो हमें हम वो कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, साउंड कंडीशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई भी रोड है उसके ऊपर कोई भी क्रैक्स नहीं है और कोई भी रट नहीं है, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ साउंड कंडीशन पेमेंट। नो रट्स के, अच्छा नो रट्स के बारे में ये भी है कि अगर 2 millimeter से कम अगर रट डेप्थ है अलॉन्ग द व्हील पाथ एंड 10 millimeter से कम रट डेप्थ है स्ट्रेट एजेस पे, स्ट्रेट एजेस ऑफ पेमेंट पे, तो उसको भी हम साउंड कंडीशन कंसिडर करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी में ये से कंसिडर किया जाता है कि भाई नो रट डेप्थ एंड नो क्रैक्स, अगर नो क्रैक्स हैं, नो रट डेप्थ हैं किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो हम कहेंगे दैट पेमेंट इज इन साउंड कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर आते हैं, क्रिटिकल कंडीशन क्या होता है, अगर रटिंग 10 to 20 millimeter तक है, जो
लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन है अलॉन्ग द व्हील पाथ वो 10 to 20 millimeter तक है, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल कंडीशन में। और क्रेक के हिसाब से, क्रेक अगर एक भी सिंगल क्रेक आ गया वहाँ पर, एक भी सिंगल क्रेक आ गया, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि एक क्रेक जनरेट हुआ तो उसके उसके बाद फिर क्रेक के ढेर लग जाते हैं। एक क्रेक आ गया फिर उसके बराबर में दूसरा क्रेक जनरेट होगा, फिर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सीरीज ऑफ क्रेक हो जाते हैं। सो अगर एक भी क्रेक आ गया तो क्रिटिकल कंडीशन है, और रटिंग डेप 10 to 20 millimeter आ गई तो भी क्रिटिकल कंडीशन हम कंसिडर करेंगे। फेल्ड कंडीशन कैसे कंसिडर करेंगे? इफ़ क्रेकिंग एक्सटेंडेड ओवर द एरिया ऑफ व्हील पाथ, अगर क्रेकिंग व्हील पाथ के एरिया के ऊपर एक्सटेंड हो गया, अगर ज़्यादा एरिया पे अगर क्रेकिंग एक्सटेंड हो जाता है तो उसको हम फेल्ड कंडीशन बोलेंगे। अगर रटिंग 20 millimeter से ज़्यादा है तो उसको भी हम फेल्ड कंडीशन कंसिडर करेंगे। क्रेकिंग के ऊपर, क्रेकिंग के बारे में ये भी है कि अगर 20% ऑफ एरिया इज क्रेक, 20% ऑफ एरिया इज क्रेक, देन वी विल कंसिडर एज अ 100 meter square कंसिडर कर लें। अगर 100 meter square आप एरिया लेते हैं, उसमें से अगर 20% फेल्ड, 20% के ऊपर क्रेकिंग आ गई है, तो हम कंसिडर करेंगे कि दैट कंडीशन इज फेल्ड कंडीशन। और रटिंग के हिसाब से 20 millimeter से ज़्यादा रट टेप है तो हम कंसिडर करेंगे दैट इज़ द फेल्ड कंडीशन। सो इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो इन सर्विस पेमेंट को कि वो साउंड कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है या फेल्ड कंडीशन में। ठीक है भाई, सो फर्स्ट टाइप ऑफ फेल्यूर के ऊपर आते हैं। बट बिफोर दैट देर आर सम ऑफ द काजेज ऑफ द प्रीमेच्योर फेल्यूर। प्रीमेच्योर फेल्यूर पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे प्रीमेच्योर फेल्यूर होता क्या। प्री फेल्यूर आर दोज टाइप्स ऑफ फेल्यूर व्हिच अकर बिफोर द सर्विस लाइफ ऑफ पेमेंट और बिफोर द एंड लाइफ ऑफ द पेमेंट। ठीक है, बिफोर द डिजाइन लाइफ ऑफ द पेमेंट। डिजाइन लाइफ एंड होने से पहले जो भी फेल्यूर्स आते हैं उनको हम कहते हैं प्री मेच्योर फेल्यूर्स। मसलन कोई भी पेमेंट है उसकी जो डिजाइन लाइफ है दैट इज 20 years। ठीक है, 20 years से पहले, 20 years तो ज़्यादा हो गए, 10 years कंसिडर कर लेते हैं। इफ़ अ डिजाइन लाइफ ऑफ पेमेंट इज 10 years, और अगर उस पर्टिकुलर पेमेंट में 10 years से पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स आ गए तो उसको हम कहेंगे दैट आर दी प्री मेच्योर फेल्यूर्स। सो उन प्री मेच्योर फेल्यूर्स के काजेज कौन से होते हैं, क्यों वो प्री मेच्योर फेल्यूर होते हैं? दैट इज रटिंग ड्यू टू हाई वेरिएशन इन एम्बियंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन हुआ किसी भी एरिया में और उसकी वजह से रटिंग आ गई, तो वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्री मेच्योर फेल्यूर। सो टेम्परेचर की वेरिएशन होती रहती है, तकरीबन इतनी ज़्यादा नहीं होती पर कभी कभी हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है। जैसे लास्ट 5 years में हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन बहुत हो गई है और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स भी आए हैं हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में। सेकंड इज अनकंट्रोल्ड हेवी एक्सियल लोडिंग्स। अगर आपने रोड जो डिज़ाइन किया है वो पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन के ऊपर किया है और उसके ऊपर फिर लोडिंग कंडीशन ज़्यादा आ जाती है, तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर फेल्यूर्स आ सकती है। लिमिटेशन ऑफ पेमेंट डिज़ाइन प्रोसीजर्स टू मीट लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब इसको थोड़ा ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, लिमिटेशन ऑफ पेमेंट डिज़ाइन प्रोसीजर्स टू मीट लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब ये जो बात है मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं आपको दी कन्वेंशनल डिज़ाइन एंड दी एडवांस डिज़ाइन मैं आपको जब पढ़ाऊंगा। क्या होता है कि सिंपली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जो हम कन्वेंशनल डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो कन्वेंशनल डिज़ाइन आपके एक्चुअल लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, जस्ट लाइक हम बिटुमिन के जो भी टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल 25 degree centigrade पे उसको हमने कंडीशन कर लिया, या 27 degree centigrade का कंडीशन कर लिया, उसको टेस्ट किया वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक्चुअल फील्ड टेम्परेचर होता है वो 50 degree centigrade या 30 degree centigrade से ऊपर ही ऊपर होता है, ऐसे होता है ना। तो जो सिंपली ये कह लें कि जो एक्चुअल डिज़ाइन हमें करना चाहिए इन्वायरमेंटल कंडीशन या उस एरिया की कंडीशन को देखते हुए, उस हिसाब से हम नहीं करते, क्योंकि पेमेंट डिज़ाइन के प्रोसीजर ही लिमिटेशन होती हैं, प्रोसीजर्स की लिमिटेशन होती हैं। क्या प्रोसीजर की लिमिटेशन होती हैं?
कि भाई अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिटुमिन आप टेस्ट कर रहे हो बिटुमिन का, तो उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाजमी आपको उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाजमी उसको कंडीशन करना है। ग्रेड ऑफ बिटुमिन आप फाइंड कर रहे हो तो उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाजमी आपको कंडीशन करना है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो जो एक्चुअल डिज़ाइन कंडीशंस हैं या लिमिटेशन है वो लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीमैच्योर फेल्यूर्स आ सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ पेमेंट डिज़ाइन प्रोसीजर्स टू मीट लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ फेल्यूर पे आते हैं, दैट इज़ द फटीक और एलिगेटर क्रैकिंग। फटीक क्रैकिंग क्या होती है कि भाई फटीक क्रैकिंग इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड क्रैक्स कॉज्ड बाय द फटीक फेल्यूर ड्यू टू रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रैफिक लोडिंग। सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड क्रैक्स, एक क्रैक जनरेट हुआ तो उसको हम सिर्फ सिंपल क्रैक क्रैक बोलेंगे, लेकिन सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड क्रैक्स हैं तो उसको हम कहेंगे फटीक क्रैकिंग। जैसे यहाँ पर देखें, ये पर्टिकुलर क्रैक्स डिफरेंट सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड क्रैक्स हैं। एक क्रैक जनरेट हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यहाँ पर इस फिगर में भी देखें, एक क्रैक है, दूसरा है, तीसरा, सीरीज ऑफ इंटरक्रैक कनेक्टेड क्रैक्स। और इसके जो सरफेस है, देखें इसका सरफेस का जो शेप है वो एलिगेटर के इसके स्किन की तरह है, इसलिए हम इसको एलिगेटर क्रैकिंग भी बोलते हैं। ये ना रेक्टेंगुलर टाइप, रेक्टेंगुलर नहीं बोल सकते हैं, हेक्सागोन टाइप जो आपके क्रैकिंग पैटर्न बना हुआ है, ये सेम पैटर्न आपके एलिगेटर के स्किन के जैसा है, इसलिए हम इसको एलिगेटर क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एलिगेटर क्रैकिंग होता है या फटी क्रैकिंग होता है वो थिन पेमेंट्स में भी होता है, थिक पेमेंट्स में भी होता है। थिन पेमेंट्स आर दोज थिकनेसेस स्मॉल एंड थिक पेमेंट्स आर थिकनेसेस लार्ज। सो थिन पेमेंट्स में जो क्रैकिंग होती है दैट इनिशिएट्स एट द बॉटम ऑफ हार्ड मिक्सेस वाला लेयर वेयर द टेंसाइल स्ट्रेस इज हाईएस्ट एंड प्रोपेगेट्स टुवर्ड्स द सरफेस। सिंपली कहने का मतलब ये कि जो थिन पेमेंट्स होते हैं उसमें बॉटम अप क्रैकिंग होती है, और जो थिक पेमेंट्स होते हैं उसमें टॉप डाउन क्रैकिंग होती है। ये आप याद कर लेना, थिन पेमेंट्स में बॉटम अप क्रैकिंग होती है और जो थिक पेमेंट्स होते हैं उसमें टॉप डाउन क्रैकिंग होती है। बॉटम अप क्रैकिंग और टॉप डाउन क्रैकिंग क्या होता है कि भाई जब क्रैकिंग बॉटम लेयर से, बॉटम बिटुमिनस लेयर से स्टार्ट होके टॉप तक पहुंचे तो हैं बॉटम अप क्रैकिंग। मीन्स जो आपका दो लेयर्स हैं, बिटुमिनस लेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दो बिटुमिनस लेयर हैं या एक बिटुमिनस लेयर है, एक बिटुमिनस लेयर के बॉटम से क्रैकिंग स्टार्ट होके टॉप तक पहुंचे तो उसको हम कहेंगे बॉटम अप क्रैकिंग। और दूसरा कंडीशन है टॉप डाउन क्रैकिंग। टॉप डाउन क्रैकिंग का मतलब सरफेस में क्रैकिंग स्टार्ट हो और बॉटम तक पहुंचे तो उसको हम कहेंगे टॉप डाउन क्रैकिंग। एक बॉटम अप, दूसरा टॉप डाउन। इन दोनों में से जो डेंजरस क्रैकिंग होती है दैट इज दी बॉटम अप क्रैकिंग। बॉटम अप क्रैकिंग डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि बॉटम से वो क्रैकिंग शुरू होती है और टॉप तक पहुंचती है, और जब तक वो टॉप तक नहीं पहुंचती हमें उसके फेल्यूर का पता ही नहीं चलता चलता। टॉप तक पहुंचते पहुंचते वो पूरे सरफेस को फेल्ड कर देता है, ये जो पर्टिकुलर बॉटम अप क्रैकिंग है। लेकिन टॉप डाउन क्रैकिंग में क्या होता है कि भाई टॉप पे आपका क्रैकिंग विजिबल हो गया तो आप उसको जल्दी उसको ओमेट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फेल्यूर के आपके रिपेयर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं या रिपेयर चांसेस होते हैं, रिपेयर इंक्रीज हो जाते हैं टॉप डाउन क्रैकिंग में। टॉप पे आपको क्रैकिंग मिल गई तो आप उसको किसी भी तरीके से सील करके या कोई भी दूसरा टाइप तरीका करके उसको फेल्यूर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बॉटम ऑफ क्रैकिंग में जब तक बॉटम से फेल होना शुरू हो जाएगा पेमेंट और टॉप तक आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। सो इसलिए जो बॉटम ऑफ क्रैकिंग होती है वो डेंजरस होता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप, थिन पेमेंट्स और थिक पेमेंट्स को। आफ्टर रिपीटेड लोडिंग द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक कनेक्ट फॉर्मिंग मेनी साइडेड शार्प एज्ड पीसेस दैट डेवलप्स इनटू अ पैटर्न और रिजेंबलिंग द बैक ऑफ एन एलिगेटर और क्रोकोडाइल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसके जिस जो शेप होता है एलिगेटर के स्किन की जैसा होता है, इसलिए उसको हम एलिगेटर क्रैकिंग कहते हैं। प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट करता है ये फटी क्रैकिंग? अगर किसी भी रोड सरफेस पे फटी क्रैकिंग हो गया तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स जनरेट करेगा उस फ्लेक्सिबल पेमेंट पे? वो इंडिकेट आपको करेगा स्ट्रक्चरल फेल्यूर का, कि भाई आपके पेमेंट का स्ट्रक्चर फेल हो चुका है। दूसरा क्या, दैट
क्रेक्स, पर्टिकुलर क्रेक्स अलो द मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन। अगर क्रेक्स जनरेट हो गए, फटी क्रेकिंग जनरेट हो गया, तो वो मॉइस्चर को इन्फिल्ट्रेट करेगा बॉटम लेयर्स पे, और बॉटम लेयर्स से होता हुआ जाता अगर सबग्रेड तक वो वाटर इन्फिल्ट्रेट हो गया, तो पूरी पेमेंट ही फेल हो जाएगा, पूरा पेमेंट फेल हो जाएगा। सो दैट कैन काज, दैट कैन अलो द मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन ड्यू टू इन टू द बॉटम लेयर्स, ये प्रॉब्लम काज कर सकता है। थर्ड प्रॉब्लम कौन सा काज करता है? रफनेस, रफनेस जनरेट करता है टॉप सरफेस पे। जहाँ पर भी आपने क्रेकिंग देखी होगी, वहाँ पर अगर आपने गाड़ी चलाई होगी, तो आपको रफनेस रफनेस महसूस हुआ होगा, और गाड़ी की आपको जो कंफर्ट है वो महसूस नहीं होता होगा, कंफर्ट डिसकंफर्ट में शुमार हो जाता है, फिर रफनेस क्रिएट करता है ये एलिगेटर क्रेकिंग। नेक्स्ट, इट मे फर्दर डिटीरियोरेट टू पॉट होल। जो पॉट होल होता है वो एंड शेप होता है आपके फिल्ट फटी का, एलिगेटर क्रेकिंग का। क्रेकिंग हो जाती है, क्रेकिंग होने के बाद मॉइस्चर उसमें इन्फिल्ट्रेट हो जाए, मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेट होने के बाद वो क्रेकिंग से जो एग्रीगेट्स होते हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर फिर पॉट होल जनरेट हो जाता है। पॉट होल मीन्स जो कि तव्हांखे रोड ते खॾा खॾा नज़र ईंदा आहिनि, उहे उन्हनि खे असां पॉट होल्स चवंदा आहियूं। स्मॉल बॉल टाइप डिप्रेशन्स अलॉन्ग दी सर्फेस ऑफ द रोड दैट आर कॉल्ड एज द पॉट होल्स। सो वो पॉट होल्स जो होते हैं वो एंड फॉर्म होते हैं फटीक के। ओके भाई, काजेस डिफरेंट हमने पढ़ ली हैं, पहले ही पढ़ ली हमने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या काजेस क्रिएट होते हैं वो हमने पहले ही पढ़ ली हैं। अच्छा, काजेस पे आते हैं कि भाई फटीक क्रेकिंग जनरेट होने के काजेस क्या क्या हो सकते हैं, फटीक क्रेकिंग होती क्यों है, किन रीजंस की वजह से फटीक क्रेकिंग हो सकती है। फर्स्ट रीजन इज इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इनएडिक्वेट, देखें फटीक क्रेकिंग जो होती है वेयरिंग कोर्स में होता है, टॉप सरफेस कोर्स में होता है, और टॉप सरफेस कोर्स जो होता है वेयरिंग कोर्स होता है वो उसमें फेल्यूर किन किन रीजंस की वजह से होती है, हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि भाई इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन की वजह से हो सकता है, ओवरलोडिंग की वजह से होता है, इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इनएडिक्वेट ड्रेनेज की वजह से हो सकता है, ये एंड ओवरलोडिंग, ये चार पांच रीजंस थे। तो इन चार पांच रीजंस की वजह से ही फटीक और एलिगेटर क्रैकिंग हो सकती है, यही काजेज हो सकते हैं एलिगेटर और फटीक क्रैकिंग के जनरेट होने के। सेम चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की वजह से आपके फटीक और एलिगेटर क्रैकिंग हो सकती है, इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से डिक्रीज इन पेमेंट, लोड करेक्टरिस्टिक, लॉस ऑफ सब बेस वगैरह, बाइंडिंग, लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन, ETC, इंक्रीज इन लोडिंग, ओवरलोडिंग जिसे हम कहते हैं, एंड ऑफ पेमेंट लाइफ हुआ तो लाजमी है फटीक और एलिगेटर क्रैकिंग होगा। अच्छा, अब आते हैं इसके रिपेयर पे कि भाई फटीक क्रैकिंग जो होती है वो उसको रिपेयर कैसे करें। कहीं पर भी अगर फटीक क्रैकिंग हो गया किसी भी रोड सरफेस पे, तो उसको हम रिपेयर कैसे करें। भाई अगर स्मॉल लोकलाइज फटीक क्रैकिंग है तो उसके रिपेयर का मेथड अलग है, अगर लार्ज फटीक क्रैकिंग है तो उसके रिपेयर का मेथड अलग है। स्मॉल लोकलाइज फटीक क्रैकिंग जो होती है वो सबग्रेड के फेल्यूर को शो कर रहा होता है। एक पर्टिकुलर जगह पर अगर क्रैकिंग आपको नज़र आए किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर, तो वो उसको समझ लें कि सबग्रेड में कोई ना कोई मसला आया और उसकी वजह से आपको फटीक क्रैकिंग हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे एरिया को रिमूव करते हैं, और रिमूव करके नया सबग्रेड वहाँ पर बिछाते हैं और पूरे पेमेंट को दोबारा बनाते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई रिमूव द क्रैक पेमेंट एरिया, डिग आउट एंड रिप्लेस द एरिया ऑफ पुअर सबग्रेड एंड इम्प्रूव द ड्रेनेज ऑफ दैट एरिया इफ नेसेसरी, पेच ओवर द रिपेयर्ड सबग्रेड। ऐसे करते हैं, पूरे सबग्रेड को रिमूव करते हैं, पूरे पेमेंट को रिमूव करते हैं, उसी पर्टिकुलर एरिया के पेमेंट को रिमूव करते हैं, सबग्रेड को इम्प्रूव करते हैं, और लास्ट में पूरे पेमेंट को दोबारा बनाते हैं, पूरे पेमेंट उस पर्टिकुलर एरिया पे। मीन फॉर एग्जांपल आपके 10 to 20 meters तक का वो अगर एरिया है, या सिंपल 5 meters तक का एरिया या 2 meters तक का एरिया है, उसको हम पूरे सबग्रेड तक रिमूव करते हैं। सेकंड इज लार्ज फटीक क्रैकिंग। लार्ज फटीक क्रैकिंग अगर हो गया तो वो आपके एसफाल्ट मिक्स या आपके इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ग्रेड को भी डिनोट कर सकता है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल फेल्यूर एक्चुअली। सो लार्ज फटीक क्रैकिंग अगर आपके आ गई तो
आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हार्ट मिक्स एस्पार लेयर को रिमूव करके दूसरा हार्ट मिक्स एस्पार लेयर उसके ऊपर ले करना चाहिए। ठीक, जो टॉप सरफेस वेयरिंग कोर्स का हार्ट मिक्स एस्पार लेयर है उसको रिमूव करके दूसरा हार्ट मिक्स एस्पार लेयर उसके ऊपर ले करना चाहिए। दैट इज़ दी रिपेयर फॉर द लार्ज फटी क्रैकिंग। जो आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस पे क्या होता है कि उस टॉप सरफेस को रिमूव कर दिया जाता है। टॉप सरफेस को रिमूव करके फिर दूसरा एक लेयर ऑफ बिटुमिनस मटेरियल प्लेस कर दिया जाता है। तो दैट इज द प्लेसिंग ऑफ हार्ड पीसेस का लेयर ओवर द इंटायर सब पेमेंट सरफेस। ये किसी वजह से होते हैं, अगर वहाँ पर फटी क्रैकिंग ज़्यादा हो जाती है या सरफेस रटिंग ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से भी हम इसको हार्ट मिक्सेस वाले लेयर को इंटायर पेमेंट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। सो दैट वाज समथिंग अबाउट दी फटीग फेल्यूर। इंट्रोडक्शन हमने फटीग फेल्यूर का पढ़ा, उसके बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम काज करता है फटीग फेल्यूर, देन काजेज ऑफ फटीग फेल्यूर एंड दी रिपेयर ऑफ द फटीग फेल्यूर एंड ऑल्सो दी लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट दी थिन एंड थिक पेमेंट्स। ठीक है भाई, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग पे आते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग आर द टाइप ऑफ क्रैकिंग व्हिच अकर अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द रोड आर अलॉन्ग दी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ द रोड आर अलॉन्ग दी व्हील पाथ ऑफ द रोड। वो क्रैकिंग जो व्हील पाथ के डायरेक्शन में हो तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग। ठीक है, अच्छा ये जो फिगर आपके पास गिवन है ना, ये एक इन्होंने कोर निकाला है और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग शो कर रहे हैं, बट दिस लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग इज टॉप डाउन क्रैकिंग। देखें यहाँ से टॉप से क्रैकिंग शुरू हो रही है और बॉटम तक प्रोपोगेट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं टॉप डाउन क्रैकिंग। टॉप से शुरू हो जो क्रैकिंग और बॉटम के तरफ प्रोपोगेट हो तो उसको हम कहेंगे टॉप डाउन क्रैकिंग। लेट मी शो यू विद द पेन। ठीक है, ये जो क्रैकिंग हो रहा है इसको हम कहेंगे दी टॉप डाउन क्रैकिंग, क्योंकि ये टॉप से स्टार्ट होके यहाँ तक देखें बॉटम तक जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं टॉप डाउन क्रैकिंग। सो दीज आर द शेप्स ऑफ दी लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग। ये लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग के शेप्स हैं आपके पास यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग होता क्या है, द क्रैकिंग व्हिच अकर अलॉन्ग दी रोड साइड लेंथ ऑफ द रोड आर द व्हील पाथ ऑफ द रोड आर अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द रोड आर कॉल्ड एज दी लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग। क्रैक पैरेलल टू द पेमेंट्स सेंट्रल लाइन आर ले डाउन आर यूजुअली दैट आर कॉल्ड एज दी लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग होते हैं दैट आर आल्सो टाइप्स ऑफ फटीग क्रैकिंग बट दैट जनरेट अलॉन्ग दी सिंगल लाइन, इसलिए हम इनको लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग कहते हैं। प्रॉब्लम कौन कौन से काज करता है, ये वही प्रॉब्लम काज करता है, वही प्रॉब्लम जनरेट करता है जो एक फटीग क्रैकिंग जनरेट करता है, जस्ट लाइक अलोइंग द मास चैनल इन्फिल्ट्रेशन रफनेस क्रिएट करता है, पॉसिबल एलिगेटर क्रैकिंग और स्ट्रक्चरल फेल्यूर क्रिएट करेगा। ये सारे प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो आपके फटीग क्रैकिंग के प्रॉब्लम है। काजेस कौन कौन से हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग के जनरेट होने के पुअर जॉइंट कॉन्ट्रेक्शन और लोकेशन, रिफ्लेक्टिंग क्रैकिंग, फटीग इन दी हार्ट मिक्स एस्पार लेयर और टॉप डाउन क्रैकिंग। ये कुछ काजेज हैं जो आपके लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग की वजह से काज हो सकते हैं। मेन काज जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग का दैट दैट कैन बी दी फेल्यूर ऑफ हार्ट मिक्स एस्पार लेयर। टॉप सरफेस लेयर है उसमें कोई भी फेल्यूर आ गई तो उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग हो सकती है, और टॉप डाउन क्रैकिंग अगर हुई तभी लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स जो आपके थिक पेमेंट्स होते हैं जिसमें टॉप डाउन क्रैकिंग होती है, तो थिक पेमेंट हुआ तो उसमें टॉप डाउन क्रैकिंग होगा, और टॉप डाउन क्रैकिंग को हम उस पर्टिकुलर शेप को हम लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग बोल सकते हैं। रिपेयर कैसे कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग को, अच्छा रिपेयर जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिपेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग, रिपेयर ऑफ ट्रांसवर्स क्रैकिंग एंड रिपेयर ऑफ जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज सेम। सबके रिपेयर का मेथड सेम होता है, किस किस के, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग के, आपके ट्रांसवर्स क्रैकिंग का और जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग का। ये तीन टाइप ऑफ क्रैकिंग जो भी हैं इनके रिपेयर का मेथड सेम होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इनको ट्रांसवर्स क्रैकिंग और जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग को। खैर अब आते हैं इसके लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग के रिपेयर के ऊपर, कि अगर लो सीवियर क्रैक है, लो सीवियर क्रैक कैसे, मतलब अगर लेस देन हाफ इंच वाइड
क्रेक है तो उसको हम सिंपली सील कर देंगे ताकि वाटर इंटर ना हो सके। लो सीवियर क्रेक है, लो सीवियर लग टनल क्रेक है तो उसके ऊपर कोई ना कोई सीलिंग मटेरियल, सीलेंट मटेरियल देके उसको सील करेंगे, सिंपल रिपेयर मेथड। अगर हाई सीवियर क्रेक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन हाफ इंच वाइड है, तो उसको हम क्या करेंगे, पूरे उस सरफेस को रिमूव करके रिप्लेस करके दूसरा हम हार्ट मिक्सेस वाला लेयर प्लेस करेंगे। अगर ग्रेटर देन हाफ इंच वाइड का आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक आ जाता है किसी भी रोड सरफेस पे, तो उसको क्या करेंगे, पूरे लेयर को रिमूव करके और नया लेयर हम उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। ठीक है भाई, ट्रांसवर्स क्रैकिंग के ऊपर आते हैं। ट्रांसवर्स क्रैकिंग इज दी टाइप ऑफ क्रैकिंग व्हिच अकर अलॉन्ग दी विड्थ ऑफ द रोड आर अलॉन्ग दी 90 डिग्री ऑफ दी 90 डिग्रीज अलॉन्ग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द रोड। सिंपली आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन कह सकती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो टाइप ऑफ फेल्यूर्स आते हैं जो पेमेंट के 90 डिग्रीज पर होते हैं उनको हम कहते हैं टाइप ऑफ ट्रांसवर्स क्रैकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये विड्थ ऑफ रोड है, ये रेड में मैंने रोड शो किया, अगर ऐसे 90 डिग्रीज पे क्रैकिंग आ जाए, ऐसे 90 डिग्रीज पे क्रैकिंग आ जाए तो उसको हम कहेंगे दी ट्रांसवर्स क्रैकिंग। सो ट्रांसवर्स क्रैकिंग दैट आर द क्रेक्स परपेंडिकुलर टू द पेमेंट्स सेंट्रल लाइन और यूजुअली अ टाइप ऑफ थर्मल क्रैकिंग दैट आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स क्रैकिंग। सो इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम जो काज करता है ट्रांसवर्स क्रैकिंग दैट इज सेम एज द लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग, और काजेज भी तकरीबन सेम होते हैं, और जो रिपेयर होता है दैट इज द सेम एज दैट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग। सो इसको आप खुद पढ़ लेना सेम, लेकिन यहाँ पर लेस देन हाफ इंच वाइड है तो हम क्रैक सील करेंगे ETC तकरीबन सेम चीज़ है। फिर भी अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझना है तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग, जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज द टाइप ऑफ फेल्यूर व्हिच अकर इन द रिजिड पेमेंट नॉट इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिजिड पेमेंट में ये जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग आता है, और जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज द क्रैकिंग अलॉन्ग द जॉइंट्स ऑन द जॉइंट्स एक्चुअली। सो इसका भी सेम प्रॉब्लम काज करता है, यहाँ पर देखें प्रॉब्लम अलोज मॉइस्चर इनफिल्ट्रेशन रफनेस ETC काजेज जो इसके होते हैं वो रिजिड पेमेंट के काजेज होते हैं। रिजिड पेमेंट में मसलन के अगर जो स्लेब हुआ है वो अगर स्लेब के अंडर में कोई भी फेल्यूर आ गया तो उस आपके जो जॉइंट है उसमें मसला आ सकता है। खैर इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊँ ताकि सही समझ में आपको आए। आपको पॉसिबल काजेज में आपको बाद में बताता हूँ, पहले ही रिपेयर पे आते हैं। देखें रिपेयर भी इसके सेम है, रिपेयर के जो मेथड्स हैं वो सेम हैं एज दैट ऑफ दी लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स क्रैकिंग। सो ये अभी आप खुद पढ़ लेना, बाकी पॉसिबल काजेज में आपको बताता हूँ जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग के। देखें जब रिजिड पेमेंट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें लाजमी के लाजमी हम उसमें जॉइंट्स देते हैं। ठीक है, उन जॉइंट्स पे फिर क्रैकिंग जनरेट होते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट काजेज की वजह से। वो क्या क्या काजेज हो सकती हैं, अगर बॉटम में रिजिड पेमेंट, बॉटम रिजिड पेमेंट के बॉटम में जो लेयर है वो फेल्ड हो गया तो आपके जॉइंट पे जो क्रैक्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर बॉटम लेयर जो है फॉर एग्जांपल आपका सबग्रेड लेयर है उसमें सोइलिंग सॉइल है, जो सोइल हो जाता है पानी के इन्फिल्ट्रेट होने के बाद वो सॉइल हो जाता है, तो क्या करेगा उसके जॉइंट पे असर देगा, बॉटम पे जो सॉइल है वो सॉइल हो जाएगा और जो जॉइंट है उसके ऊपर फोर्स आएगा, जॉइंट ऊपर की तरफ उठेगा और उसमें क्रैक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस ड्यू टू ऑफ द जॉइंट रिफ्लेक्शन के। लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ द पीसेस इज बिनीथ द हार्ट मसल्स पर सरफेस बिकॉज ऑफ थर्मल एंड मॉइस्चर चेंजेस जनरली नॉट लोड इनिशिएटेड हाउएवर लोड कैन बी हैसन डिटेरेशन। अब क्या होता है कि अगर आपने जॉइंट्स प्रॉपरली नहीं दिए, नेक्स्ट रीजन जो हो सकता है दैट इज ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ इम्प्रॉपर जॉइंट। अगर जॉइंट की विड्थ आपने प्रॉपर नहीं रखी तो उसकी वजह से भी जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग हो सकती है। लेकिन आपको पता होगा कि कॉन्क्रीट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, वो एक्सपांड भी होता है। ठीक है, हॉट वेदर में एक्सपांड होता है और कोल्ड वेदर में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर उसमें कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपांशन जॉइंट्स आपने नहीं दिए तो वो जो जहाँ पर आपने जॉइंट्स दिए हैं वहाँ पर क्रैकिंग होना शुरू हो जाएगी। सो दैट कैन बी अ रीज़न। ठीक है भाई, जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग क्लियर हो गया। अब आते हैं रटिंग के ऊपर।
भाई रटिंग इज द लॉन्गिट्यूडिनल डिप्रेशन अलोंग द व्हील पाथ। जी मां तां के चयो त रोड ते टायरन जा जेके पेरा ठही वेंदा आहिनि उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं रटिंग। हीउ ॾिसो टायरन जा पेरा, हीउ ॾिसो टायरन जा पेरा। हीउ तव्हांखे तव्हां अक्सर ॾिठा हूंदा कंहिं न कंहिं रोड ते तव्हां हिननि टायरनि जा पेरा लाज़मी ॾिठा हूंदा। त दैट लॉन्गिट्यूडिनल डिप्रेशन अलोंग द व्हील पाथ इज़ कॉल्ड एज द रटिंग। ॾिसी छॾियो हिन फिगर खे, ॾिसी छॾियो त जीअं तव्हांजे माइंड में हिन जो फिगर वेही रहे। अच्छा, the rutting actually can be of two types. rutting jo hote hain wo do types ke hote hain. ek hota hai surface rutting, dusra hota hai subgrade rutting. theek hai, par ye simply aapko bata hona chahiye ki rutting jo hoti hai wo depression cause karta hai along the wheel path. wheel path jo bhi hota hai wheel ke niche depression cause karta hai usko hum kehte hain rutting. that is actually the result of excessive consolidation of the pavement along the wheel path due to either reduction of the air voids in the asphalt concrete layer or permanent deformation of the base or subgrade layer. jaise maine aapko bataya ki do types hote hain, ek surface layer, dusra surface rutting, dusra hai subgrade rutting. ab jo surface rutting hota hai wo that is due to the selection of improper ग्रेड ऑफ बिटुमेन, उसे हम कहते हैं सरफेस रटिंग। क्या होता है, अगर सॉफ्टर मटेरियल आपने यूज़ किया, सॉफ्टर ग्रेड ऑफ बिटुमेन यूज़ किया, फिर जब हीट आता है उस पर्टिकुलर पेमेंट के ऊपर, तो लोडिंग की वजह से वो जो एस्फाल्ट मिक्स लेयर है वो आपका डिप्रेस हो जाता है लोडिंग की वजह से, और उसके ऊपर सरफेस जो पेमेंट होता है उसके सरफेस पे रट डेप्थ बन जाते हैं या टायरन जब पे रट ही नहीं है। सो उसको हम कहते हैं सरफेस रटिंग। मीन्स जो रटिंग वियरिंग कोर्स में आए, एस्फाल्टिक कोर्स में आए, एस्फाल्टिक कोर्स जिसे हम कहें या बिटुमिनस कोर्स कहें, उसके ऊपर आए, तो उसको कहते हैं हम सरफेस कोर्स, सरफेस रटिंग। अब आते हैं सबग्रेड रटिंग। सबग्रेड रटिंग इज ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ सबग्रेड, के भाई सबग्रेड में फेल्यूर आया उसकी वजह से रटिंग हुआ। यानी सबग्रेड, सबग्रेड में जो फेल्यूर आती है तो उसमें जो रटिंग क्रिएट होता है वो पूरे के पूरे लेयर को डिप्रेस करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस डिप्रेस हुआ है या वियरिंग कोर्स डिप्रेस हुआ है या वियरिंग कोर्स में डिप्रेशन आई है। सबग्रेड रटिंग जब भी होती है तो फिर सबग्रेड भी रट होता है, सबग्रेड में भी डिप्रेशन आता है, आपके सब बेस लेयर में भी आता है, बेस कोर्स लेयर में भी आता है और वियरिंग कोर्स लेयर में भी आता है। ठीक है, क्योंकि जब सबग्रेड ही बैठ गया तो बाकी जो ऊपर वाले लेयर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं। तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रटिंग, सरफेस रटिंग जो सिर्फ और सिर्फ बिटुमिनस लेयर में होता है टॉप लेयर में, और दूसरा होता है सबग्रेड रटिंग जो सबग्रेड में होता है लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन दिखाई देती है हमें वो सारे लेयर्स में दिखाई देती है और टॉप पर भी दिखाई देती है। ठीक है भाई, ये तो लिटिल, दिस इज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द रटिंग, दैट it is the longitudinal surface depression along the wheel path or permanent uplift occurs along the sides of the rut. actually rutting jo hoti hai jo jahan par ruts hote hain, jahan par wheel path hote hain, uske side pe uplift aapko nazar aata hai jab bhi aap dekhte ho. yahan par dekhe na, is particular cheez ko hum uplift kehte hain, side uplift, uplift, this is the side uplift, this is the side uplift. is side uplift ki wajah se aapki steering jo hoti hain उसमें मसला होता है एंड दैट कैन काज एक्सीडेंट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ, देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रट्स, जैसे मैंने आपको बताया मिक्स रटिंग एंड सबग्रेड रटिंग। मिक्स रटिंग को हम सरफेस रटिंग बोलते हैं। मिक्स रटिंग अकर्स व्हेन द सबग्रेड डज नॉट रट येट द पेमेंट सरफेस एग्जिबिट्स व्हील पाथ डिप्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पेक्शन और मिक्स डिजाइन प्रॉब्लम्स। मिक्स डिजाइन प्रॉब्लम की वजह से अगर सबग्रेड रट ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपके सरफेस कोर्स पे रट हो, तो उसको हम कहेंगे दी सरफेस रटिंग और दी मिक्स रटिंग। नेक्स्ट इज सबग्रेड रटिंग। सबग्रेड रटिंग व्हेन द सबग्रेड एग्जिबिट्स व्हील पाथ प्रिपरेशन ड्यू टू लोडिंग। इन दिस केस द पेमेंट सेटल्स इनटू द सबग्रेड रटिंग कॉजिंग सरफेस डिप्रेशन इन द व्हील पाथ। जो मैंने आपको बताया सबग्रेड अगर रटिंग होती है तो पूरा जो पेमेंट होता है वो डिप्रेस हो जाता है बॉटम लेयर तक। प्रॉब्लम्स कौन कौन से काज करता है रटिंग? रटिंग भाई आपके जो प्रॉब्लम्स काज करता है दैट इज कि भाई अगर कहीं पर भी रटिंग हुआ तो उसके ऊपर अगर रेनी डेज होते हैं तो उस रट डेप्थ होते हैं वहाँ पर वाटर
स्टे कर देता है, और वाटर स्टे करने की वजह से आपके व्हीकल के स्टीयरिंग में मसला हो जाता है, दैट कैन काज व्हीकल हाइड्रोप्लानिंग। हाइड्रोप्लानिंग इज एक्चुअली द लेयर ऑफ लिक्विड दैट कम्स बिटवीन द द सरफेस ऑफ द पेमेंट एंड द टायर ऑफ द व्हीकल। व्हीकल के टायर और पेमेंट के सरफेस के ऊपर जो पानी का लेयर आ जाता है उसको हम कहते हैं व्हीकल हाइड्रोप्लानिंग। उस व्हीकल हाइड्रोप्लानिंग की वजह से आपकी स्लिपेज के साथ चांसेस या स्किडिंग के चांसेस हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम काज करता है रटिंग। नेक्स्ट इज रट टेंड टू पुल अ व्हीकल टुवर्ड्स द रट पाथ एज इट स्टीयर्ड अलॉन्ग द अक्रॉस द रट। अगर आप उस रटिंग के ऊपर चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और रटिंग से निकलना चाहते हो, तो आप रिकट रटिंग से निकलने की कोशिश करते हो पर निकल नहीं पाते हो, क्योंकि वो जो गाड़ी के स्टेयर्स होते हैं वो रट पे ही चल रहे होते हैं और रट से दूर नहीं हट रहे होते। जो किसी ने भी अगर ड्राइविंग की होगी और रटिंग एरिया पे ड्राइविंग की होगी तो उसको ये बात ज़्यादा समझ आएगा कि दैट रट एक्चुअली टेंड टू पुल अ व्हीकल टुवर्ड्स द रट पाथ एज इट स्टीयर्ड अक्रॉस द रट। रटिंग से स्टीयरिंग अगर आप हटाओगे तो वो हटने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो स्टीयरिंग रट पे ही आके रुक रही होती है। सो दैट मे काज एक्सीडेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ दूसरे कोई भी काज क्रिएट कर सकता है, ये प्रॉब्लम होते हैं रटिंग के। पॉसिबल काजेस क्या हैं, क्यों जनरेट होते हैं आपके रटिंग, रटिंग क्यों जनरेट होती है किसी भी रोड सरफेस पे? सो दैट कैन काज बाय कंसोलिडेशन और लेटरल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स ड्यू टू द ट्रैफिक लोडिंग। हैवी एक्सेल लोडिंग आ गई, ओवर लोडिंग हो गया तो रट पाथ जनरेट होगा। अच्छा, इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन, फर्स्ट रीजन इज द इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन और इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मिक्स डिजाइन। ये तो लॉजिकल इसके पॉसिबल काजेज हैं। इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन हुआ तो उसकी वजह से सरफेस रटिंग होगी। इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन हुआ तो उसकी वजह से सब ग्रेड रटिंग होगी, क्योंकि अगर सब ग्रेड को आप प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं करोगे तो जो व्हीकल्स उसके ऊपर आएंगी, जो हेवी एक्सल लोडिंग उसके ऊपर आएंगी, उसको फिर वो कॉम्पैक्ट करेंगे और कॉम्पैक्ट करते करते लोड टायरों के नीचे, टायरों से आपका सरफेस लेयर पे आता है, इसलिए सरफेस पे जो टायरों के निशान होते हैं वहाँ पर फिर आपको कंसोलिडेशन या कॉम्पैक्शन नज़र आ जाता है। खैर, इट इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन आर लेटरल मूवमेंट ऑफ द मटीरियल्स ड्यू टू द ट्रैफिक लोडिंग, इनसफिशियंट कॉम्पैक्शन ऑफ द हार्ड मिक्स एक्सपाल लेयर और इनसफिशियंट इम्प्रॉपर हार्ड मिक्स एक्सपाल लेयर, सबग्रेड रटिंग, इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर, यूज ऑफ सॉफ्टर ग्रेड इन द वार्मर रीजन। ठीक है, जैसे आप उसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो अगर कम है उस पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर से तो वहाँ पर सरफेस रटिंग हो सकती है। सो दीज आर द पॉसिबल काजेस। इसके रिपेयर कैसे कर सकते हैं अगर कहीं पर भी रटिंग हुई, तो अगर रटेड डेप्थ लेस देन 10 मिलीमीटर है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है। 10 मिलीमीटर से ले छोटा है तो उसको हम स्लाइड रट बोलते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर रट डेप्थ ग्रेटर देन 20 मिलीमीटर है तो फिर हम उसको रिपेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को रिमूव करके दूसरा हार्ट मिक्स एस्पार लेयर रख देते हैं। इफ द रट डेप्थ इज ग्रेटर देन 20 मिलीमीटर, रट डेप्थ लेस देन 10 मिलीमीटर है तो कोई मसला नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर रट डेप्थ इज ग्रेटर देन 20 मिलीमीटर देन वी विल रिमूव दैट पर्टिकुलर हार्ट मिक्स एस्पार लेयर एंड वी विल ओवरले एंड अदर हार्ट मिक्स एस्पार लेयर, दैट इज द रिपेयर। पोटोल्स के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फेल्यूर इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट इज द पोटोहोल। पोटोहोल के बारे में ये मैंने आपको बताया था कि दैट आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ द एलिगेटर क्रैकिंग। एलिगेटर क्रैकिंग जब वाइड हो जाता है तो वो एंड में आपका पोटोल्स क्रिएट कर देता है। देखिए, ये साइड में इसके एलिगेटर क्रैकिंग है और ये बाद में ये पोटोहोल जनरेट हुआ है, ये पोटोहोल जनरेट हुआ है। इस फिगर में भी देखें, यहाँ पर ये पोटोहोल है और इसके साइड में इसके different types of different alligator crackings. So this pothole is the end result of actually the alligator cracking. जैसे मैंने बताया कि alligator cracking होता है, उसके ऊपर water infiltrate होता है, water infiltrate होने के बाद different aggregates उसमें से remove होना शुरू हो जाते हैं और end result में potholes generate हो जाते हैं। These are the potholes which are the end result of the alligator cracking. जिसे हम define करते हैं कि भाई the small ball shape डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द रोड आर कॉल्ड एज द पोटोल्स। जैसे इस फिगर में देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट पोटोल्स हैं,
ये डिफरेंट पोर्ट होल्स हैं, ये भी डिफरेंट पोर्ट होल हैं। ठीक है, पोर्ट होल आपको ज़्यादा विजिबल तब होते हैं जब बारिश होते हैं। बारिश की वजह से पानी इन्फिल्ट्रेट होता है आपके एलिगेटर के रेकिंग पे, और एलिगेटर उसकी वजह से फिर पोर्ट होल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्ट होल डिफरेंट पोर्ट होल्स। व्हाट इज पोर्ट होल एक्चुअली? दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन ऑन द व्हील पाथ एंड ईटीसी ईटीसी। प्रॉब्लम क्या काज करता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर कहीं पर भी पोर्ट होल्स हो जाएं तो वो कौन कौन से मसले क्रिएट करेगा। देखें यहाँ पर ये जो पोर्ट होल्स हैं तो इनकी वजह से क्या क्या मसले हो जाएंगे। एक तो भाई ये जो पानी है ये इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा बॉटम लेयर पे और फिर बॉटम लेयर्स को फेल करेगा, ये एक मसला। दूसरा मसला कि ये रफनेस क्रिएट करेगा, अगर इस पर्टिकुलर रोड पे अगर गाड़ी चले तो कितना मसला होगा, रफनेस क्रिएट होगा और जो राइडिंग क्वालिटी है वो बिल्कुल पुअर राइडिंग क्वालिटी देगा ये रोड सरफेस। दीज आर दी प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉल्ड बाय दी पॉट होल्स एक्चुअली। ठीक है, पॉसिबल काजेज क्या होते हैं? पॉसिबल काजेज आर दी एलिगेटर क्रैकिंग, पॉट होल्स आर दी एंड रिजल्ट ऑफ एलिगेटर क्रैकिंग। सो पॉसिबल काजेज ऑफ दी काज ऑफ दी पॉट होल इज दी एलिगेटर क्रैकिंग। कहीं पर भी एलिगेटर क्रैकिंग हुआ तो वो लाजिम उसके उसकी वजह से पॉट होल्स जनरेट हो गए। As alligator cracking becomes severe, the interconnected cracks create small chunks of pavement which can be dislodged as vehicle drives over them. पानी इन्फिल्ट्रेट हुआ और उसके ऊपर पानी इन्फिल्ट्रेट जैसे ही होगा एलिगेटर क्रैकिंग के ऊपर तो वो सॉफ्टर हो जाएंगे, और उसके ऊपर जैसे ही व्हीकल ड्राइव होगा तो वो जो एलिगेटर क्रैकिंग छोटे छोटे एलिगेटर क्रैकिंग होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फिर पोर्ट होल के शेप अख्तियार करते हैं। The remaining hole after the pavement chunk is dislodged that is called as the pothole actually. ठीक है भाई, corrugation and shoving पे आते हैं। Corrugation and shoving generally occurs where the vehicle stop and starts. वो location जहाँ पर vehicle start हो और stop हो तो उस location पे corrugation and shoving होते हैं। Corrugation and shoving जी की ये corrugation and shoving होता है जहाँ पर कोई भी एस्फाल्ट लेयर ऊपर की तरफ उठ जाता है तो उसको हम कहते हैं कोरोगेशन एंड शोविंग। ये देखें एस्फाल्ट लेयर ऊपर की तरफ उठा है, यहाँ पर देखें एस्फाल्ट लेयर ऊपर की तरफ उठा है, और ये भी देखें एस्फाल्ट लेयर ऊपर की तरफ उठ गया है तो इसको हम कहते हैं कोरोगेशन एंड शोविंग। कौन कौन से लोकेशन पे स्टार्ट एंड स्टॉप होती हैं गाड़ियाँ? भाई आपके जो पार्किंग एरियाज होते हैं वहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप होती हैं गाड़ियाँ, आपके जो टोल प्लाजाज होते हैं वहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप होती हैं, आपके जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप होते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ स्टार्ट एंड स्टॉप हों वहाँ वहाँ पर कोरोगेशन एंड शोविंग हो सकता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। ठीक है भाई, सो ये भी आपको कोरोगेशन एंड शोविंग नज़र आ रहा है, ये जो लाइन है दैट इज़ दी लाइन ऑफ कोरोगेशन एंड शोविंग। ठीक है, ऊपर उठ रही हैं रोड लकीरें आपको नज़र आ रही होंगी, ये लकीर, ये लकीर, ये लकीर, दैट इज़ दी कोरोगेशन एंड शोविंग। So this is the small introduction about the corrugation and shoving, a form of plastic movement typified by the ripples, undulations or an abrupt wave that is called as shoving across the pavement are called as the corrugation and shoving. The distortion is perpendicular to the traffic direction. जो corrugation और shoving होता है वो हमेशा perpendicular to the traffic direction होता है, जैसे गाड़ियाँ इस तरफ move कर रही हैं तो कोरोगेशन शोविंग आपके इस तरफ होंगी, ये परपेंडिकुलर जिस फिगर में भी देखें आपको फिगर में भी अंदाज़ा हो रहा होगा, ये अगर फिगर है तो इसका मतलब है कि जो व्हीकल्स होती हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोरोगेशन एंड शोविंग हुआ है। ठीक है भाई, अकर्स एट अ पॉइंट वेयर द ट्रैफिक स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया उस जगह पर होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक या व्हीकल्स स्टार्ट एंड स्टॉप होते हैं। काजेस प्रॉब्लम कौन से क्रिएट करता है कोरोगेशन एंड शोविंग? प्रॉब्लम एक ही कार करता है दैट इज़ द रफनेस। जहाँ पर कोरोगेशन एंड शोविंग होगी वहाँ पर अगर गाड़ी चलाओगे तो आपको रफनेस महसूस होगा। काजेस क्या हैं इसके कोरोगेशन शोविंग होने के काजेस क्या हो सकते हैं? मेन काज जो होता है ना दैट इज़ दी सॉफ्टर, एक तो सॉफ्टर बिटुमिन का और इम्प्रॉपर हॉट मिक्स एस्फाल्ट लेयर का, ये मेन काज हो सकता है। और दूसरा लाजमी है ट्रैफिक स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है तो वो तो मेन काज हो सकता है।
कॉजेज कौन से हैं, ट्रैफिक एक्शन, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, जहाँ पर ट्रैफिक एक्शन होगा स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग का, तो वो काज करेगा आपका आपके कॉरोगेशन एंड शोविंग. नेक्स्ट इज द पुअर मिक्स डिजाइन एंड द एक्सेस मॉइस्चर इन द सबग्रेड. सबग्रेड में मॉइस्चर हुआ तो उसकी वजह से टॉप लेयर भी वीक हो जाता है और उसकी वजह से कॉरोगेशन एंड शोविंग हो सकते हैं. बट पुअर मिक्स डिजाइन इज द मेन काज. टू मेन काजेज आर देयर, दैट इज ट्रैफिक एक्शन एंड द पुअर मिक्स डिजाइन. सो कॉरोगेशन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उनके उसके रिपेयर के कौन कौन से तरीके हैं. अगर स्मॉल कॉरोगेशन है तो यू हैव टू रिमूव द पर्टिकुलर डिस्टॉर्टेड पेमेंट एंड पेच पेच ओवर दैट. उस पर्टिकुलर सरफेस को आपको रिमूव करना है और पेचिंग अप्लाई करना है. लार्ज अगर कॉरोगेटेड एंड शोविंग एरियाज हैं तो आपको पूरे डैमेज पेमेंट को खत्म करना है और उसके ऊपर नया ओवरले प्लेस करना है. ठीक है, स्मॉल कॉरोगेटेड एंड शोविंग एरिया को आप सिंपली पेच ओवर कर दोगे और लार्ज कॉरोगेशन एंड शोविंग एरिया को पूरे हॉट मिक्स एसफार लेयर को रिमूव करके और नया हॉट मिक्स एसफार लेयर प्लेस करना है. ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइप ऑफ फेल्यूर पे आते हैं, दैट इज द स्ट्रिपिंग. स्ट्रिपिंग क्या होता है, द लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन बिटवीन द बिटुमिन एंड द एग्रीगेट. एग्रीगेट और बिटुमिन अगर उसकी बाइंडिंग इम्प्रॉपर हो जाती है, बाइंडिंग लॉस हो जाती है, तो उसकी वजह से स्ट्रिपिंग हो जाता है. स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग ऑफ एग्रीगेट का प्रैक्टिकल हम भी हमने पढ़ा था. स्ट्रिपिंग ऑफ एग्रीगेट जैसे उसमें हमने क्या किया था, एक बिटुमिन लिया था, उसको एग्रीगेट के साथ मिक्स किया था, उसमें फिर उसको हमने एक वाटर बीकर में प्लेस कर दिया था, फिर 24 आवर के बाद हमने स्ट्रिपिंग देखी थी कि रेशो ऑफ अनकवर्ड एरिया ऑब्जर्व विजिबल वियरली टू द टोटल एरिया ऑफ द एग्रीगेट, ये हमने स्ट्रिपिंग देखा था. तो ये जो स्ट्रिपिंग फील्ड में होती है या इन सर्विस पेमेंट में होती है, उस दैट इट कैन बी आल्सो ड्यू टू द लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन बिटवीन द बिटुमिन एंड एग्रीगेट. एग्रीगेट अगर प्रॉपरली कोट नहीं होगा तो स्ट्रिपिंग होगी, लाजमी होगी. फटिक फेल्योर फ्रॉम द स्ट्रिपिंग, अगर स्ट्रिपिंग हो गया तो वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा. वाटर इन्फिल्ट्रेट हुआ तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्योर इंक्लूडिंग द फटिक फेल्योर हो सकती है. दिस इज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रिपिंग. द लॉस ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट एंड एसफॉल्ट बाइंडर दैट टिपिकली बिगिंस एट द बॉटम ऑफ द हार्ट मिक्स एसफॉल्ट लेयर एंड प्रोपोगेट्स अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रिपिंग. व्हेन स्ट्रिपिंग बिगिंस एट द सरफेस एंड प्रोसेस डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द रेवलिंग. ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिपिंग एंड द रेवलिंग. अगर स्ट्रिपिंग बॉटम ऑफ, अगर कोई भी रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन बिटवीन द बिटुमिन एंड एग्रीगेट जनरेट्स फ्रॉम द बॉटम एंड प्रोपगेट्स टुवर्ड द टॉप सरफेस, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रिपिंग. बट इफ दैट लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन स्टार्ट्स एट द सरफेस एंड प्रोपगेट्स डाउनवर्ड्स, दैट विल बी कॉल्ड एज रेवलिंग. ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में ही आप थोड़ा इसमें अंदाजा लगें. द लॉस ऑफ बाइंडिंग बिटवीन द एग्रीगेट एंड एसफॉल्ट बाइंडर टिपिकली बिगिंस एट द बॉटम ऑफ द एसफॉल्ट मिक्स एसफॉल्ट लेयर एंड प्रोपगेट्स upward, that is called as the stripping. But when that stripping begins at the surface and propagates downward, that is called as the reveling. So stripping और reveling में थोड़ा फर्क है, यही फर्क है कि bottom से top तक अगर stripping होती है तो उसे हम stripping कहते हैं, अगर वो top से bottom तक होती है तो उसको हम reveling कहते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम्स के कौन कौन से काज करती है स्ट्रिपिंग एंड रेवलिंग. अगर किसी भी रोड सरफेस पे स्ट्रिपिंग और रेवलिंग आ गई तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स काज करेगा, क्रिएट करेगा, डिक्रीज स्ट्रक्चर सपोर्ट रेटिंग और शोविंग, रेटिंग क्रिएट करेगा, शोविंग एंड क्रोगेशन क्रिएट करेगा, रेवलिंग करेगा, ETC डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी टाइप्स ऑफ फेल्यूर हैं वो सारे क्रिएट करेगा. एक बार स्ट्रिपिंग हो गई तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर, जो भी टाइप्स ऑफ फेल्यूर हैं वो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे. और जो मेजर फेल्यूर आएगा, दैट इज द पोर्ट होल, दैट इज क्रिएशन ऑफ पोर्ट होल एंड द क्रैकिंग्स, ये प्रॉब्लम्स काज करेगा और लाजमी है. और ये जो रफनेस है वो तो लाजमी क्रिएट करेगा. ठीक है भाई, इसको थोड़ा आप खुद पढ़ लेना, लेक्चर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया. रिपेयर की तरफ आते हैं, रिपेयर कैसे करते हैं स्ट्रिपिंग को. स्ट्रिप पेमेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन द रूट काज ऑफ फेल्यूर. अगर कहीं पर भी स्ट्रिपिंग होती है तो उसको हम पहले देखेंगे कि भाई कहाँ पर फेल्यूर किस वजह से हुआ है. अगर जो स्ट्रिपिंग हुआ है वो एक्चुअल स्ट्रिपिंग है या रेवलिंग है, तो उसके हिसाब से फिर वी विल डू अ रिपेयर एक्शन. जनरली द स्ट्रिपिंग पेमेंट नीड्स टू बी रिमूव्ड एंड द रिप्लेस आफ्टर करेक्शन ऑफ एनी सबग्रेड ड्रेनेज इश्यूज. क्या होता है,
जैसे ही हमें पता चल गया कोई भी रूट काज उसका, रिपेयर स्ट्रिपिंग एंड रेवलिंग का। सो रूट काज कौन कौन से हो सकते हैं भाई? मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन इसका रूट कोई भी हो सकता है रूट काज, या जो लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन बिटवीन द बिटुमेन एंड एग्रीगेट, दैट कैन बी द रूट काज। जो भी रूट काज है उसको हम एग्जामिन करते हैं, फिर टॉप सरफेस को रिमूव करते हैं और नेक्स्ट ओवरले उसके ऊपर बिछा देते हैं। पेचिंग के ऊपर आते हैं। पेचिंग आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के ऊपर अचानक कहीं पर भी फेल्यूर आता है तो उस पर्टिकुलर रोड के एरिया को हम रिमूव करते हैं और एक दूसरा हार्ड मिक्स एस्फाल्ट लेयर उसके ऊपर बिछाते हैं और उसको फिर कंप्लीट कर देते हैं। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं पेचिंग। पेचिंग इज एक्चुअली नॉट अ टाइप ऑफ फेल्यूर, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ फेल्यूर बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दी एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट का पार्ट नहीं है ये, बाद में जनरेट होता है, इसलिए हम इसको जो पेचिंग होता है इसको टाइप ऑफ फेल्यूर ही कंसिडर करते हैं। एनी एरिया ऑफ मूवमेंट दैट हैज बीन रिप्लेस विद अ न्यू मटेरियल, मटेरियल रिपेयर द एग्जिस्टिंग पेमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ पेच। अ पेच इज कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट नो मैटर हाउ वेल इट परफॉर्म्स। इसमें आपको बताया दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रेस और डिफेक्ट, भले कितना भी वो अच्छा परफॉर्म करे। काजस क्या करता है? रफनेस क्रिएट करता है। कहीं पर भी पेचिंग होगी उसके ऊपर आपकी गाड़ी जब भी मूव करती है तो आपको कहीं कुछ ना कुछ अंड्यूलेशन महसूस होता है। किथे भी पेचिंग थियल हूंदी उन मथां तव्हांजो गाड़ी तव्हांजी गाड़ी जॾहिं बि मूव कंदी आहे तव्हांखे हेठि मथां ई ज़रूरु नज़र ईंदी आहे। सो इट काज़िस कुझु ना काज़ करे पे भी रफनेस ज़रूरु काज़ करेगा। रिपेयर क्या 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 हो सकते हैं? पेचेज आर इट सेल्फ रिपेयर्स, देम सेल्फ इज रिपेयर्स। सो इनको रिपेयर करने की कोई भी चीज़ नहीं होती। हाँ, बाकी वो जो पेचेज आपने ऑलरेडी लगाए हैं वो पेच उखड़ जाता है, वो पेच खराब हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पेच को रिमूव करके दूसरा पेच लगाना है। रिपेयर यही है इसका। पेचेज आर इट्स देम सेल्व इज रिपेयर, बट इफ द पेच गेट्स डिटोरेटेड देन वी हैव टू रिमूव दैट पर्टिकुलर पेच एंड वी विल प्लेस एन अदर पेच ओवर दैट। पॉलिश एग्रीगेट आर दी डिस्ट्रेसेस इन दी रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में ये डिस्ट्रेसेस काज होते हैं। पॉलिश एग्रीगेट क्या होता है कि व्हीकल के मूवमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा व्हीकल के मूवमेंट की वजह से जो एग्रीगेट का सरफेस, सॉरी द रिजिड पेमेंट के सरफेस पे जो एग्रीगेट्स होते हैं वो पॉलिश्ड हो जाते हैं, वो स्मूथ स्मूथ हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। उनको हम कहते हैं पॉलिश्ड एग्रीगेट। ये आपके स्किड रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है और रफनेस को जनरेट कर देता है। एरिया ऑफ द पेमेंट वेयर द पोर्शन ऑफ एग्रीगेट ऑन द सरफेस कंटेन्स फ्यू रफ और एंगुलर एग्रीगेट पार्टिकल्स दैट काजेज द पॉलिश्ड एग्रीगेट। रफ एंड एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी वजह से, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग की वजह से, बहुत देर तक लोडिंग के रिपीटेशन की वजह से, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, बार बार उसके ऊपर अगर रोड के ऊपर गाड़ियां चलती रहें चलती रहें चलती रहें तो पॉलिश्ड एग्रीगेट काज कर देती हैं। प्रॉब्लम क्या काज करता है? दैट डिक्रीज द स्किड रेजिस्टेंस, स्किड रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है और रफनेस क्रिएट करता है। ठीक है भाई, रिपेयर क्या होते हैं? जहां पर भी पॉलिश्ड एग्रीगेट हुआ, रिजिड पेमेंट में पॉलिश्ड एग्रीगेट हुए तो वहां पर डायमंड ग्राइंडिंग कर सकते हो आप या ओवरले कर सकते हो। डायमंड ग्राइंडिंग क्या क्या करता है? एक मशीन होता है और वो इस पर्टिकुलर रिजिड पेमेंट की सरफेस के ऊपर चलाते हैं, वो स्किड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है या रफनेस क्रिएट करता है। सो डायमंड ग्राइंडिंग हम उस कर सकते हैं और या तो ओवरले उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप ऑफ ओवरले या लेयर प्लेस कर सकते हैं, इसकी वजह तभी रिपेयर मुमकिन है। वाटर ब्लीडिंग एंड पंपिंग इज अ टाइप ऑफ फेल्यूर एक्चुअली दैट अकर्स इन दी फ्लेक्सिबल पेमेंट। एक्चुअली वाटर जनरेट्स वाटर स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड इट कम्स ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर ब्लीडिंग। लेकिन कंक्रीट में ब्लीडिंग जेका थींदी आहे, कंक्रीट में जो ब्लीडिंग होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन वाटर कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट दैट इज कॉल्ड एज द ब्लीडिंग, वाटर ब्लीडिंग। ऐसे ही जो वाटर ब्लीडिंग इसके ऊपर होती है, इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, दैट इज व्हेन द वाटर कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द पेमेंट ड्यू टू एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर ब्लीडिंग एंड पंपिंग। सो ये इसका जो मेन रीजन होता है दैट इज द
रेजिंग ऑफ द वाटर टेबल। वाटर टेबल जहाँ पर भी रेज हो जाता है तो नीचे का पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है। अच्छा, एक है वाटर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग दैट एक और चीज़ है दी बिटुमिन ब्लीडिंग। ठीक है, जो बिटुमिन ब्लीडिंग होती है वो एक और चीज़ है। बिटुमिन ब्लीडिंग ये हमारे जो डिस्ट्रेसेस के टाइप्स हैं इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई पूछे कि बिटुमिन ब्लीडिंग क्या होती है तो वो क्या होता है कि अगर कहीं भी किसी भी पेमेंट में हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिटुमिन यूज़ कर दें, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिटुमिन मिक्स कर देते हैं एग्रीगेट के साथ, तो क्या हो जाता है कि बिटुमिन रोड के ऊपर आपको दिखाई देता है। बिटुमिन के जो धब्बे होते हैं वो रोड के ऊपर दिखाई देते हैं आपको, उसको कहते हैं हम बिटुमिन ब्लीडिंग। देन दी बिटुमिन इज क्लियरली विजिबल ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्यू टू यूजेज ऑफ एक्स्ट्रा बिटुमिन इन दी फ्लेक्सिबल पेमेंट दैट इज कॉल्ड एज दी बिटुमिन ब्लीडिंग। बाकी वाटर ब्लीडिंग इज सिंपल, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है वाटर ब्लीडिंग क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो काज करता है दैट इज दी स्किन रेजिस्टेंस को रिमूव कर देता है या स्किन रेजिस्टेंस को कम कर देता है। और वाटर ब्लीडिंग हुआ तो लाजमी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स भी हो सकते हैं। वाटर ब्लीडिंग की वजह से वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा, वाटर इन्फिल्ट्रेट होने की वजह से आपकी क्रैकिंग हो सकती है, क्रैकिंग की वजह से पॉट होल्स जनरेट हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स की सीरीज जनरेट हो सकती है फिर। ठीक है, कॉजेस कौन क्या क्या हो सकते हैं इसके, वाटर ब्लीडिंग के, पुअर पेमेंट ड्यू टू इनएडिक्यूट कॉम्पेक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और पुअर मिक्स डिजाइन, अगर सबग्रेड को आपने प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं किया है और उसमें वाटर बाउंड मैकेडम नहीं दिया है तो उसकी वजह से वाटर इन्फिल्ट्रेट बॉटम से इन्फिल्ट्रेट होकर टॉप तक आ जाएगा, एक्सफिल्ट्रेट कह सकते हैं, इन्फिल्ट्रेट नहीं एक्सफिल्ट्रेट मीन्स बॉटम से लेकर टॉप तक जो आ जाता है। हाई वाटर टेबल एंड पुअर ड्रेनेज की वजह से भी हो सकते हैं। हाई वाटर टेबल जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर टेबल जैसे राइज हो जाएगा तो उसकी वजह से वाटर ब्लीडिंग हो सकती है। रिपेयर कैसे कर सकते हैं वाटर ब्लीडिंग एंड पंप पर, कहीं पर भी अगर पानी सरफेस पे आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। इफ़ द प्रॉब्लम इज हाई वाटर टेबल, अगर हाई वाटर टेबल प्रॉब्लम है और पुअर ड्रेनेज, दि सब सबग्रेड ड्रेनेज शुड बी इम्प्रूव। सबग्रेड को फिर ऐसे ही हमें ट्रीट करना है कि वाटर बॉटम से टॉप तक ना आए, फिर बॉटम बाउंड मीकेट हम कंस्ट्रक्ट करें या कुछ ऐसे लेयर हम उसके ऊपर दें ताकि बॉटम से वाटर टॉप तक ना आए, इस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। बट इफ़ द प्रॉब्लम इज अ पुअर मिक्स और फोक्स रिसीव और सलरी सील इज अप्लाइड टू लिमिट दी वाटर इन्फिल्ट्रेशन, अगर आपके पुअर मिक्स डिज़ाइन की वजह से है या स्पॉट मिक्स आपने अच्छा नहीं प्लेस किया तो उसकी फिर आपने क्या करना है, आपको सील आपको क्रिएट करना है। एक टाइप ऑफ सील हो सकता है जिसके हम सील कोट कहते हैं, सील कोट आपको देना है टॉप सरफेस ऑफ रोड पे, उसकी वजह से फिर बॉटम बॉटम पे या किसी भी तरीके से वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, इसी तरीके से हम वाटर ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। सो तीन टाइप ऑफ सील होते हैं, कोट होते हैं जिसे हम कहते हैं, एक प्राइम कोट होता है, टेक कोट होता है और सील कोट होता है। प्राइम कोट, टेक कोट एंड सील कोट। जो प्राइम कोट होता है वो हम देते हैं, वो हम प्लेस करते हैं ताकि दो नॉन बिटुमिनस लेयर को कनेक्ट कर सकें। टू कनेक्ट टू नॉन बिटुमिनस लेयर वी प्रोवाइड द प्राइम कोट। उसके बाद होता है टेक कोट। टेक कोट इज यूज टू कनेक्ट दी टू बिटुमिनस लेयर्स। ठीक है, उसके बाद है सील कोट। सील कोट इज द टॉप सरफेस कोट व्हिच इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द वेयरिंग कोट, दैट इज द सील कोट। ठीक है, प्राइम कोट, टेक कोट और सील कोट। प्राइम कोट हम लगा के, फॉर एग्जाम्पल हमने सब बेस क्रिएट किया, सब बेस हमने बिछा दिया तो हम फिर क्या करते हैं उसके ऊपर बिटुमिन का एक स्प्रिंकल कर देते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम कोट। फिर उसके ऊपर बेस कोर्स बिछा देते हैं, फिर बेस कोर्स अगर बिटुमिनस मटेरियल का है और जो वियरिंग कोर्स तो लाजमी बिटुमिनस मटेरियल का होता है, फिर बेस कोर्स के ऊपर हम बिटुमिन को स्प्रिंकल कर देते हैं, उसे हम कहते हैं टेक कोट। फिर जब हमने वियरिंग कोर्स उसके ऊपर बिछा दिया टेक कोट के ऊपर, तो लास्ट में हम एक बिटुमिन स्प्रिंकल कर देते हैं जिसे हम कहते हैं सील कोट। ठीक है भाई, वाटर ब्लीडिंग एंड पंपिंग हो गया।
अब आते हैं बिलो अप और बकलिंग पे. बिलो अप और बकलिंग इज द टाइप ऑफ फेल्यूर दैट अकर इन द रिजिड पेमेंट. सो दैट इज सिमिलर, एक्चुअली सिमिलर टू द जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग. जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग में भी क्या था, अगर सबग्रेड आपका स्वेलिंग मटेरियल है, सबग्रेड में स्वेलिंग मटेरियल है तो स्वेल सबग्रेड स्वेल होगा तो ऐसे ब्लो अप और बकलिंग हो जाएगी. ठीक है, सेकंड रीजन क्या था जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग का, कि भाई इम्प्रॉपर अगर आपने जॉइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग दिया है तो क्या हो जाएगा, क्या होता था कि भाई उसमें क्रैकिंग आ जाती थी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ इम्प्रॉपर थिकनेस ऑफ द एक्सपांशन एंड कंट्रक्शन जॉइंट. ब्लो अप और बकलिंग में भी ऐसा ही होता है कि अगर इम्प्रॉपर आपने इम्प्रॉपर और लेस थिकनेस ऑफ या लेस विड्थ ऑफ द एक्सपांशन और कंट्रक्शन जॉइंट दिया है तो क्या हो जाएगा कि गर्मियों में क्या हो जाता है, वो एक्सपांड हो जाता है कंक्रीट. अगर कंक्रीट एक्सपांड हुआ और उसको एक्सपांड होने की जगह ही ना मिली तो क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पर ब्लो अप और बकलिंग का हो सकते हैं. स्वेलिंग ऑफ द सबग्रेड की वजह से ये ब्लो अप हो सकता है. स्वेलिंग ऑफ सबग्रेड हुआ तो सबग्रेड ऊपर की तरफ उठेगा. सबग्रेड जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगा तो इस पर्टिकुलर रिजिड पेमेंट को भी ऊपर की तरफ उठाएगा. इसी तरीके से ये ब्लो अप की तरफ मूव करेगा. और सेकंड रीजन इज द इम्प्रॉपर विड्थ ऑफ द एक्सपेंशन और कंट्रक्शन जॉइंट. यहाँ पर कंट्रक्शन जॉइंट की विड्थ कम होगी तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स इसकी तरफ लगाएगा, ये पर्टिकुलर स्लैब एक्सपांड होगी यहाँ पर फोर्स लगाएगा और ये स्लैब एक्सपांड होगी यहाँ पर फोर्स लगाएगा, और दोनों अगर आपस में मिल गए तो ये इसको ब्लो अप और बकलिंग क्रिएट कर देता है. सो ब्लो अप और बकलिंग कैन बी ड्यू टू ऑफ दीज रीजंस. अ लोकलाइज्ड अपवर्ड मूवमेंट एट अ जॉइंट will occur or the summer season due to the result of insufficient room or slab expansion during the hot weather, that is called the blow up or buckling. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मियों में जो कंक्रीट होता है वो एक्सपांड होता है, उसको अगर जगह नहीं मिलेगी तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा. The problems क्या क्या कौन कौन से क्रिएट करता है ये ब्लो अप और बकलिंग. अगर कहीं पर भी रोड पे ब्लो अप और बकलिंग हो गई तो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो गए, रफनेस क्रिएट करेगा, मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन ETC, ये सारे काजेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. पॉसिबल काजेस कौन से होते हैं, जो पॉसिबल काजेस दो काजेस जो मैंने आपको बताया ये पॉसिबल मेजर काजेज हैं. ठीक है, भी रिपेयर पे आते हैं, डायरेक्ट रिपेयर पे आते हैं कि अगर कहीं पर भी ये ब्लो अप और बकलिंग हो जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द फुल डेप्थ पैचिंग मींस उस पर्टिकुलर स्लेब को ही आपको रिमूव करके दूसरा स्लेब प्लेस कर देना. सिंपली कॉर्नर ब्रेक, ओके, दिस कॉर्नर ब्रेक इज द लास्ट डिस्ट्रेस. सो इसको पढ़ के जान चुराते हैं. कॉर्नर ब्रेक इज द टाइप ऑफ डिस्ट्रेस दैट अकर इन द रिजिड पेमेंट. रिजिड पेमेंट में क्या होता है, अचानक कॉर्नर्स ऑफ रिजिड पेमेंट ब्रेक हो जाते हैं, वो डिफरेंट रीजंस की वजह से होते हैं जिसे हम कॉर्नर ब्रेक बोल सकते हैं. अ क्रेक दैट डिसेक्ट द PCC स्लैब जॉइंट नियर द कॉर्नर, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड द कॉर्नर ब्रेक. नियर द कॉर्नर इज टिपिकली डिफाइंड एज विद इन about 2 meter assessment or so. A corner will extend through the entire slab and is caused by the high corner stresses. Corner pe jagar stresses zyada ho jate hain aur aapne corner pe improper joints de di hain to uske wajah se bhi corner break ho jate hain. Jaise joint reflection cracking tha, joint mein bhi cracking aa jati thi, isme corner pe breaking aa jati. So these are the different types of प्रॉब्लम्स. कौन कौन से काज करते हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम काज करते हैं. और काजेस कौन कौन से हैं, सेम काजेस हैं जो आपके ब्लो अप और बकलिंग के होते हैं, और जो रिपेयर है वो भी सेम है ब्लो अप और बकलिंग का. अगर जॉइंट जो कॉर्नर ब्रेक हो गया तो उसको रिमूव करके आपको दूसरा स्लेब वहाँ पर प्रोवाइड करना है.